मेरा नाम है अविनाश कुमार और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल फिटनेस ईसीजी पर। तो जो आज की वीडियो होने वाली है वो रहेगी पूरे वीक का जो जिम वर्कआउट प्लान होता है उसके बारे में, किस दिन आपको कौन सा बॉडी पार्ट ट्रेन करना चाहिए और उसका मैं रीज़न बताऊंगा। तो उससे पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए सब्सक्राइब, राइट साइड में मिलेगा, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो कीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए बात करते हैं वीडियो के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि किस दिन किस बॉडी पार्ट को ट्रेन करना चाहिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मंडे से। जब भी मंडे आता है तो मंडे को हमें एक ऐसा बॉडी पार्ट लेना होता है जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा अच्छा वर्कआउट हो। मतलब कि आप संडे को रेस्ट लेकर आते हो तो मंडे के दिन आपके पास एनर्जी फुल होती है, तो आप जिस भी पार्ट को ट्रेन करोगे अच्छे से करोगे। तो वो आप कौन सी मसल पार्ट होनी चाहिए, तो मैं कहूँगा लेग्स। लेग्स की जो मसल्स होती है सबसे बड़ी मसल्स होती हैं, और हमारी बॉडी में जितनी भी जो मसल्स पार्ट जितना बड़ा होगा उतने ही हमारे बॉडी के टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होते हैं। तो और आपको पता भी, अगर टेस्टोस्टेरोन जल्दी बूस्ट होंगे तो आपकी मसल ग्रोथ भी उतनी अच्छी होगी। तो आप मंडे को कीजिए ट्रेन अपने लेग्स। तो मंडे के बाद आता है आपका ट्यूसडे। ट्यूसडे को आप कोई भी एक जो छोटा मसल पार्ट है उसको ले लीजिए, क्योंकि जो आपने मंडे को अपने लेग्स ट्रेन किए तो उसमें आपकी काफ़ी एनर्जी गई है। तो ट्यूसडे को अगर आप कोई छोटा मसल पार्ट लेंगे तो वो आपकी एनर्जी रिकवर हो जाएगी, जिससे आप वेडनेसडे को कोई भी बड़ा मसल पार्ट लेके अच्छे से कर सकते हो। तो ट्यूसडे को लीजिए आप बाइसेप या ट्राइसेप, मतलब दोनों एक साथ ही लेने हैं। मैं दोनों एक साथ मारता हूँ जिम में, तो आप भी दोनों एक साथ ट्रेन कीजिए। तो ट्यूसडे हो गए बाइसेप एंड ट्राइसेप, इसमें आपकी ज़्यादा एनर्जी नहीं जाएगी और अच्छे खासे ट्रेन भी हो जाएंगे। तो वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। अब आपको जो ट्यूसडे में जो आपने कम एनर्जी यूज़ की है वेडनेसडे तक आपकी रिकवर हो जाती है। तो वेडनेसडे को लीजिए कोई बड़ा मसल पार्ट, आप बैक और चेस्ट में से कोई भी एक ट्रेन कर सकते हैं। तो मैं चेस्ट ट्रेन करता हूँ वेडनेसडे को। वेडनेसडे को कीजिए आप चेस्ट, और जैसे कि अच्छा खासा ट्रेन होगा क्योंकि आपकी एनर्जी फिर से रिकवर हो चुकी है। फिर उसके बाद आते हैं थर्सडे पे। थर्सडे पे अगेन कोई छोटा मसल पार्ट लीजिए, क्योंकि चेस्ट को आपने अच्छे से ट्रेन किया होगा। तो आपकी आ गई थर्सडे वाले दिन शोल्डर। शोल्डर एक छोटा मसल पार्ट है, काफ़ी एनर्जी नहीं जाती, तो आप थर्सडे कीजिए शोल्डर। फिर उसके बाद आते हैं फ्राइडे पर। फ्राइडे पे अगेन आपको कोई एक बड़ा मसल पार्ट लेना है, तो वो क्या हुआ आपका बैक। तो आप बैक अच्छे से ट्रेन कीजिए फ्राइडे को, और फ्राइडे की जो आपकी बैक की एक्सरसाइज रहेंगी अच्छे से कीजिए उन्हें। और जैसे मैंने बताया, जितना मसल बड़ा पार्ट होगा उतने ही आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होंगे। तो आप इन चीज़ों को, जो लेग्स, बैक और आपकी चेस्ट है, इनको अच्छे से ट्रेन कीजिए। तो उसके बाद आते हैं हम अपना सैटरडे पर। सैटरडे पर क्या बचा, आपके एप्स। अब ये मत सोचना कि मुझे एप्स नहीं बनाने या पेट कम नहीं करना, तो एप्स लोग बाग ज़्यादातर स्किप कर देते हैं। तो आप सैटरडे को कीजिए ट्रेन अपने एप्स, तो ये आपका प्रॉपर बॉडी वर्कआउट हो जाएगा। इसी को आप फॉलो कीजिए, और काफ़ी अच्छा वर्कआउट प्लान है ये, इवन मैं भी यही फॉलो करता हूँ। तो आप इसे फॉलो कीजिए, रिजल्ट्स मिलेंगे, और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी हो गई आपको। जिस दिन आप बड़ा मसल पार्ट करोगे उस दिन के लिए आपके पास एनर्जी भी आ जाएगी, क्योंकि आप एक दिन छोटा मसल पार्ट कर रहे हैं। अब उसमें क्या होता है, जो हमारा पुराना ट्रेन है, मंडे आप बैक करते हो, सॉरी चेस्ट करते हो, ट्यूसडे बैक करते हो, तो मतलब काफ़ी बड़े बड़े मसल पार्ट हो जाते हो, फिर लास्ट में आप शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप, ये सब। तो आप इसे कीजिए, काफ़ी अच्छा प्लान है ये। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कीजिए लाइक और चैनल भी सब्सक्राइब।